गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आपको फीवर के बाद वीकनेस हो रही है, फीवर के बाद ज्वाइंट पेन हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, बर्ब्स एंड फ्लैटुलेंस दोनों ही पास करने में इश्यूज आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही, लैक ऑफ एपिटाइट है, और इसके बाद काफी इश्यूज होते हैं फीवर के बाद, इतनी वीकनेस हो जाती कि आप दोबारा से अपनी हेल्थ को रीस्टोर कैसे करें, अपने रूटीन को रीस्टोर कैसे करें, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको साइंटिफिक वे से बताऊंगी कि एक्चुअली आपकी बॉडी के साथ क्या होता है ड्यूरिंग फीवर एंड पोस्ट फीवर, आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ को रीस्टोर करना है। नाउ सी, इफ यू आर हैविंग फीवर फॉर फ्रॉम 5 to 10 days, जो भी है, आपको काफी मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है, काफी हेल्प मिल जाती है। आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, फीवर की मेडिसिन लेते हो, काफी मेडिसिन मेडिकेशन लेते हो, जिससे आपका फीवर जो है क्योर हो जाता है आप। बट जब भी फीवर होता है, फीवर के बाद आपको लिवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स एंड गट डिटॉक्स करवाना बहुत जरूरी है। बट मैं इसमें सिर्फ डाइटेटिक्स का पार्ट नहीं बोलने वाली, इसमें मैं एज अ डॉक्टर आपको क्या लेना चाहिए साथ में एज अलॉन्ग विथ डाइट, बिकॉज आई एम नॉट ओनली द डाइटिशियन, आई एम ऑल्सो अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड डाइटिशियन, राइट। सो अब मैं आपको सीरीज बता, फॉर एग्जाम्पल आपने फीवर में एंटीबायोटिक्स ली, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मीन्स फीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल लिया, डोलो ली, क्रोसिन ली, वट एवर। एंटीबायोटिक्स में आपने स्फिक्सिम, ऑफ्लोक्सासिन, ऑगोमेंटिन, जो भी एंटीबायोटिक्स लेते हो, इन सब से ये सारी मेडिसिन अब क्या करती हैं, आपको आपके सिम्टम्स को पैसिफाई कर देती हैं, आपको फीवर से काफी हद तक रिलीफ देती हैं। और बट इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये जो मेडिसिन हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक, दीज आर सिंथेटिक बेस्ड केमिकल, दीज आर नॉट नेचुरली ग्रोन मेडिसिन। अब इससे क्या होता है, आपके लिवर, दीज आर हिपेटोटॉक्सिक, लिवर जो है वो आपका टॉक्सिसिटी होती है, एंड किडनी टॉक्सिसिटी, एंड गट के जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी रियोन हो जाते हैं। अब हमने फीवर में रिकवरी होने के बाद जो फर्स्ट स्टेप उठाना है, जब फॉर एग्जाम्पल 5 days फीवर हुआ, 10 days फीवर हुआ, उसके बाद आपको 3 days का कोर्स करना है जिसमें लिवर डिटॉक्स एंड गट डिटॉक्स करोगे, राइट। नाउ जो भी अब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी पैरासिटामोल एंड एंटीबायोटिक्स का। मान लो आपने कोई भी एंटीबायोटिक्स ली, ऑफ्लोक्सासिन, सफिक्सिम, या कोई भी एंटीपायरेटिक ली, डोलो, वो सब आपके गट से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे, लिवर में। उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है। बट उनका एक्शन, जैसे ही आपने मेडिसिन ली, विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स, आपको फीवर डाउन आना शुरू होता है। एक्शन कब होता है, जब वो डायरेक्टली आपके ब्रेन सेंटर्स में, जो टेम्परेचर सेंटर है, हंगर सेंटर है, इन सब पे एक्शन होता है इनका, राइट। तो इसका एक्शन ब्रेन पे होता है, जिसकी वजह से आपको उस टाइम के लिए सिम्टम जो है कम हो जाता है। बट आप साथ साथ में क्या ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, जो भी आपकी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया थे, जो फीवर कॉज कर रहे थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट उनको किल कर देते हैं, उनको, उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। मान लो आपके भी, आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ गया, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड बैक्टीरिया आ गया, ओके, और उसने टाइफाइड बैक्टीरिया को मार तो दिया, बट उसके साथ साथ आपके गट में जो बैठे गुड बैक्टीरिया थे वो भी मर जाएंगे, ओके, उस एंटीबायोटिक से। और साथ साथ में वो एंटीबायोटिक का मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है, और वो लिवर में टॉक्सिसिटी भी कॉज करेंगे। तो दो साइड इफेक्ट क्या होते हैं उसके, एक तो वो हिपेटोटॉक्सिक है, और गट के जो गुड बैक्टीरिया है उसमें भी टॉक्सिसिटीज, उसको भी वो रियोन कर देते हैं। अब क्या ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जब आपको इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, डेफिनेटली वी शुड टेक दिस मेडिसिन। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, फीवर बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं है, तो आयुर्वेदा की बहुत सी मेडिसिन हैं, जैसे कि गिलोय वटी है, राइट। गिलोय वटी जब भी लेते हैं, आपको हाइड्रेशन का ज्यादा ध्यान देना है, आप हाइड्रेट ज्यादा करोगे अपने आप को, ठीक है। काफी है, जैसे फिफाट्रोल है, ये भी एक एंटीपायरेटिक्स है। बट इमरजेंसी के टाइम पर अगर हमें एलोपैथिक या सिंथेटिक मेडिसिन का हेल्प लेना पड़े तो ले सकते हैं। बट आपने ध्यान देना है कि जब भी फीवर क्योर होता है, उसके बाद प्रोबायोटिक का कोर्स करें। नंबर वन, जैसे कि स्पोरोलैक, कैप्सूल स्पोरोलैक आप ले सकते हो,
टू कैप्सूल्स ले सकते हो जो कि आपके बैक्टीरिया को दोबारा से ग्रो करने में हेल्प करे। कुछ लोग अगर एज अ डाइटिशियंस, कुछ डाइटिशियंस ये बोलेंगे कि प्रोबायोटिक हमारे कर्ड में भी बहुत है, बट समटाइम जो पेशेंट्स हैं वो कर्ड डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फीवर के बाद उनको कर्ड एकदम से लेना डाइजेस्ट करना बहुत टफ होता है। उस केस में यू कैन हैव स्पोरोलैक। ओके, स्पोरोलैक सप्लीमेंट यू कैन हैव। स्पोरोलैक इज अ सप्लीमेंट, राइट? वो आपके गुड बैक्टीरियाज को ग्रोन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, उसके साथ साथ आप लिवर डिटॉक्स, बिकॉज लिवर भी टॉक्सिसिटी में जाता है, तो लिवर डिटॉक्स के लिए लिव52 इज द ऑप्शन। मैं इसीलिए ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स के नाम ले रही हूँ जो इजीली अवेलेबल है। तो लिव52 आप 2 टेबलेट सुबह एंड 2 टेबलेट शाम आफ्टर मील विद वाटर यू कैन हैव। स्पोरोलेक कैप्सूल भी सेम ऐसे ही ले सकते हो, 1-1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल्स इकट्ठे ले लो पानी के साथ। अब इससे क्या होगा, आपकी गट भी डिटॉक्स हो जाएगी, आपका लिवर भी डिटॉक्स हो जाएगा। रही बात खाने में क्या ऑप्शंस लें, जब आपको फीवर जो है वो रिकवरी के बाद जब आपकी गट हेल्थ इश्यूज हो रही है, तो आपने लाइट फूड लेना। ऐसा फूड लेना है जो बिल्कुल लाइट हो बट न्यूट्रिशियस हो। ओके, आयुर्वेद में कुछ ऐसे फूड हैं जो होते तो लघु हैं, लघु मीन्स लाइट, बट वो तर्पणकारी होते हैं, तर्पण मीन्स न्यूट्रिशियस होते हैं। उसमें नंबर 1 लिस्ट में है मूंग दाल। आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, बट मेक श्योर इट शुड नॉट बी सॉलिड, इट शुड बी सेमी सॉलिड। एंड खिचड़ी प्रिपरेशन के लिए जो रेशव है मूंग दाल एंड चावल, उसकी रेशव होनी चाहिए 4:1। मूंग दाल जो है 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए चावल में, चावल के कंपेरेटिवली, और इट शुड बी सेमी सॉलिड और लिक्विड सूपी कंसिस्टेंसी। एंड ट्राई टू ऐड सम मोर न्यूट्रिशियस थिंग्स लाइक कोरिएंडर लीव्स। आप कुछ कोरिएंडर लीव्स को चॉप कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉटिंग इश्यू है, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करके, और रोस्टेड जीरा, जो भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो, उस सूपी कंसिस्टेंसी ऑफ खिचड़ी। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर गट। आपने स्पोरोलैक कैप्सूल तो ऑलरेडी खाया है, उस बैक्टीरिया को हैप्पी करने के लिए अगर आप ऐसा फूड खाओगे तो ये आपकी हेल्थ को और सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर फूड इज द काली तोरई, राइट? काली तोरई इज वेरी गुड फॉर यू नो आयरन लेवल्स को रिस्टोर करने के लिए। आपकी बॉडी की जो येलोइश बॉडी होती है उसको दोबारा से रेड करना, ग्लो इनहेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। तो काली तोरी, उसकी तरी में, सब्जी नहीं, उसकी तरी बना के सूपी कंसिस्टेंसी में बनाओ, उसकी वेजिटेबल कुक करो। उसमें अगर आपको रोटी लेनी है तो रोटी को आप तोड़ के, मतलब उसको ब्रेक करके, उसमें आप जो करी बाउल है उसमें डाल के उसको मैश करके फिर खाइए। ओके, उससे क्या होगा, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी उसको डाइजेस्ट करने में। आप उसको च्यू, अच्छे से फूड को च्यू करके खाओगे, आपकी बॉडी जठराग्नि बहुत एनर्जी नहीं लगेगी, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी उस फूड से, वो फूड लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज दलिया। यू कैन हैव दलिया पोस्ट फीवर, खुद की हीलिंग के लिए दलिया इज वेरी गुड। आप ओट्स की खिचड़ी भी ले सकते हो थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बट इट शुड बी लिक्विड, मोर लिक्विड एंड सॉलिड, सेमी सॉलिड टाइप। और आफ्टर 2 to 3 days कोशिश करो स्पिनच एंड पनीर की सब्जी इज वेरी गुड। पालक और पनीर जो हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ वन थिंग इज तिंदोरा की सब्जी, परवल की सब्जी, ये सारी बहुत अच्छी हैं। लौकी, यस आई मिस दिस इम्पोर्टेंट वेजिटेबल, दिस इज लौकी। लौकी को आप छीला के फॉर्म में भी ले सकते हो, बट मेक श्योर जब भी आप सॉलिड फूड लेते हो उसको अच्छे से च्यू करना है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर एनर्जी इन द डाइजेशन। आई वॉन्ट दैट एनर्जी फॉर योर रीजनरेशन। जो आपके सेल्स हैं स्ट्रेस में चले गए हैं उनको दोबारा से रिजुविनेट करना है, इसीलिए च्यू योर फूड प्रॉपरली। लौकी का सूप ले सकते हैं, लौकी की सब्जी के साथ रोटी अगर लेनी है, अगेन रोटी को ब्रेक करके आप उसमें सब्जी में डालें, च्यू उसको ब्रेक करें, उसको हल्के से च्यू करें। चने का सूप, ब्लैक चने का सूप इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ब्लैक चने की तरी, अगेन चूरी, आप रोटी को तोड़ के उसकी चूरी बना के उसको खिला सकते हैं क्लाइंट्स को। तो दीज आर मेनी ऑप्शंस। वाटर जो है ट्राई करें फ्रिज का ठंडा पानी ना हो, बिकॉज गट बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें राइट टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर वाटर और हल्का ल्यूकवार्म वाटर इज गुड फॉर योर हेल्थ, जिससे आपकी हेल्थ सपोर्ट होगी। तो हमने क्या किया, लिवर डिटॉक्स भी कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लिव 52,
एंड सेकेंड हमने प्रोबायोटिक कोर्स जो कि गट डिटॉक्स होता है, प्रोबायोटिक कोर्स भी कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोलैक। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब कुछ क्लाइंट्स, सम स्टूडेंट्स मे बी एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ आयुर्वेदा का कुछ बोलूं, तो आयुर्वेदा में गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैनी प्रोबायोटिक्स हैं। दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी टिपिकल आयुर्वेदिक वर्ड्स। जैसे आप तकर अरिष्ट दे सकते हो, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप तकर अरिष्ट दे सकते हो। तकर मीन्स बटर मिल्क और इसका बना हुआ मोर पायो प्रोबायोटिक फॉर्म इज अ तकर अरिष्ट। इसको 4 चम्मच 4 स्पून मिक्सड इन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में जब आप पीते हो उसका शॉट पीते हो, तो इससे भी आपकी गट जो है डिटॉक्स होती है। सेकेंड, तकर अरिष्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कुटज अरिष्ट। कुटज अरिष्ट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर गट डिटॉक्स। तो गट डिटॉक्स के लिए आप कुटज अरिष्ट भी दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज विडंग अरिष्ट। आई विल राइट डाउन इट देयर नेम ऑल्सो आफ्टर इन द डिटेल ऑफ दिस पोस्ट। तो विडंग अरिष्ट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोबायोटिक इन आयुर्वेदा। लिवर डिटॉक्स के लिए अदर ऑप्शन नंबर वन इज आरोग्य वर्धनी वटी। आई विल राइट डाउन, अभी आप लिसन करो, आरोग्य वर्धनी वटी। एंड नेक्स्ट वन इज लिव 52 इज वेरी कॉमन लिवर डिटॉक्स के लिए। इसके अलावा है एमली क्योर डी एस इज वेरी गुड। तो ये जो जो मैंने अभी रजीम बताया ये एडल्ट के लिए। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ किड्स। बच्चों को भी फीवर होता है, नॉर्मल छोटे मोटे फीवर होते हैं, और आप बड़ी इजिली उनको आइबोप्रोफेन सिरप, पैरासिटामोल सिरप्स, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे सिरप्स, एंटीबायोटिक्स, तो बात बात पर बच्चों को इवन लेग्स में क्रैम्प्स भी होते हैं, सोने से पहले उनको टांगों में दर्द होती है, और आप बहुत क्विकली आइबोप्रोफेन सिरप दे देते हो, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि उन छोटे छोटे सिरप से क्या होता है, छोटे छोटे शॉट से क्या होता है, उनकी गट हेल्थ एंड लिवर हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। आपका बच्चा बार बार उस प्रॉब्लम को फेस करेगा, मे बी उसके साथ साथ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मेक श्योर अगर आप यूज करते हो एंटीबायोटिक्स या फीवर की मेडिसिन, आप बच्चों को सिरप जिंक का कोर्स हमेशा करवाएं। टॉक टू द पीडियाट्रिशियन, आस्क देम अबाउट द गट, उनकी गट के लिए क्या अच्छा है। उनकी गट के लिए सिरप जिंक का कोर्स इज वेरी गुड। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने अडल्ट के लिए बोला है स्पोरोलैक, बच्चों के लिए जो बहुत इजिली पैलेटेबल एम्प्यूल्स आते हैं, रेस्प्यूल्स आते हैं विद द नेम ऑफ टफ प्रो, राइट, टफ प्रो। अगर किसी को स्पेलिंग्स पूछने हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोबारा से। टफ प्रो इज वेरी गुड एम्प्यूल्स फॉर किड्स, और बच्चों को एक से दो बार आप खाली स्क्वीज करो और वो टफ प्रो के कैप्सूल पिलाओगे तो उनकी गट में बैक्टीरिया, अच्छे वाले फ्रेंडली बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगेन बच्चों में भी लिवर डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। बच्चों के लिए दो सिरप लिव 52 एंड एमली क्योर डी एस आर वेरी गुड। आप इन दोनों का कोर्स दे सकते। नाउ कम्स टू द डोज, 2 स्पून ऑफ लिव 52 सिरप ओके पोस्ट मील इज गुड। नाउ नेक्स्ट कम टू द टफ प्रो एनी टाइम, आप जब भी लगे आपको किसी भी टाइम टफ प्रो आप रेस्प्यूल्स दे सकते हो। जिंक सिरप इज ऑल्सो नाउ जिंक एंड जिंक सिरप एंड प्रोबायोटिक जैसे कि टफ प्रो, इनसे क्या होगा, बच्चों की गट हेल्थ इंप्रूव होगी, गट इंप्रूव होगी, उनका जो खाना है वो एब्जॉर्ब अच्छे से होगा। अगर हम उनको लिव 52 एंड एमली क्योर डीएस सिरप देते हैं उससे क्या होता है, उनका लिवर जो है वो डिटॉक्स होता है, जिससे बच्चे को भूख लगेगी, भूख भी लगेगी और खाना एब्जॉर्ब भी होगा। फीवर के बाद जो स्ट्रेस आता है इसके लिए ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी हैं, लिवर का डिटॉक्स एंड गट का डिटॉक्स। उनको भूख भी का लगना एंड खाने का एब्जॉर्ब होना दोनों बहुत जरूरी हैं। एंड मेक श्योर पोस्ट फीवर आपका बच्चा गट को रिस्टोर कर रहा है या लिवर को रिस्टोर कर रहा है उसकी हेल्थ को, ये बहुत जरूरी है। अगर आयुर्वेदा पार्ट आपको पूछना है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन आस्क पर्सनली। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, अगर फीवर ये कितनी देर तक हमें गट डिटॉक्स या लिवर डिटॉक्स करना है, 3 to 4 days आर इनफ। 3 to 4 days के बाद आप नॉर्मल खाना जो खाने की मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शन बताई है जैसे कि काली तोरी, मूंग की दाल, पालक पनीर, ओट्स, ठीक है, उसके अलावा टिंडा, लौकी एंड परवल की सब्जी आर वेरी गुड। इसके बाद आपने जब आपको
10 से 12 दिन हो जाते हैं, आपकी गट हेल्थ काफी हद तक रिस्टोर हो जाती है, आपको इनर्जी मिलती है थोड़ी सी, उस टाइम आप मल्टीविटामिन कोर्स भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 15 डेज पोस्ट फीवर यू कैन स्टार्ट द मल्टीविटामिन कोर्स। मैंने पहले क्यों नहीं बोला, बिकॉज जब आप पहले स्टार्टिंग में ही मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दोगे, आप में इतना इनर्जी नहीं है कि आप उस विटामिन्स को एब्जॉर्ब भी कर पाओ या डाइजेस्ट भी कर पाओ। बेटर है आप फीवर क्योर होने दो, उसके बाद लिवर एंड किडनी एंड गट हेल्थ रीस्टोर होने दो, उसके बाद आप मल्टीविटामिन कोर्स करो। नाउ इफ यू आस्क मी फॉर द ऑप्शन कि मल्टीविटामिन में क्या लें, तो फॉर द अडल्ट सुप्राडीन इज वेरी गुड ऑप्शन। अदरवाइज अदर ऑप्शन आर ऑल्सो देयर लाइक रिवाइटल मैन एंड वीमेन इज ऑल्सो वेरी गुड मल्टीविटामिन ऑप्शन। बच्चों के लिए सिर्फ A to Z इज ऑल्सो गुड, एंड जो हमारा आयुर्वेद में इम्यून BS सिरप इज टू गुड। सो मेक श्योर क्लाइंट्स, आप फीवर के बाद अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हो कि नहीं, बिकॉज फीवर के बाद अपनी हेल्थ को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। एंड कोशिश करो आफ्टर 20 डेज रीज्वाइन योर योगा सेंटर, री कम बैक टू योर एक्सरसाइज रूटीन। मॉर्निंग 45 मिनट्स का वॉक लें, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर जो भी आप खाना खाते हैं, मेक श्योर आपको हंगर सिग्नल्स आए तभी खाओ, अदरवाइज 2 टाइम खाओ। अगर आपको हंगर सिग्नल्स आते हैं तभी खाओ। आपकी जितनी भी मील्स होती हैं, फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स होती हैं, इट शुड बी न्यूट्रिशियस। कोशिश करो आप अपने सेल्स को फीड दे दो, ना कि अपने पेट को। कुछ लोग सिर्फ अपनी टंग को फीड कर रहे हैं, टेस्ट के पीछे भागते हैं। दे आर लाइक कि दे आर फीलिंग हंग्री, दे कैन ईट पिज्जा, दे आर फीलिंग हंग्री, दे कैन ईट बर्गर। नो, डू डू नॉट डू लाइक दिस। ट्राई, इफ यू आर फीलिंग हंग्री गो एंड ग्रैब द सैलेड बाउल। सैलेड बाउल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कलरफुल। तो रेड, येलो, ऑरेंज कैप्सिकम विद द ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स चॉप किए हुए और इनको स्टीम करके, इसके ऊपर लेमन स्क्वीज करोगे, इसके ऊपर रोस्टेड क्यूमिन सीड्स का पाउडर स्क्वीज स्क्वीज करोगे, सेंधा सॉल्ट स्क्वीज करोगे, तो ये बहुत हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर एंड बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक मील ऑप्शन होगा, राइट? जब आप ओट्स चीला खाओगे, कोशिश करो ओट्स चीला, जैसे कि आपने बेसन, सॉरी, जब भी आप चीलास खाओगे, मे बी इट्स ओट्स चीला, बेसन चीला और मूंग दाल चीला, 3 ऑप्शन है। इसके साथ आप न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे बॉयल्ड चिकपीस इसके साथ ब्लेंड कर दो, स्प्राउट्स को ब्लेंड कर दो, किडनी बीन्स बॉयल्ड ब्लेंड कर दो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीलास बना सकते हो। पोहा में मैक्सिमम कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, पराठा यू मस्ट इंजॉय। एक ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कुछ लोग सीधे से जो कैरेट स्टिक्स हैं सीधे खाते हैं, या सीधे जो रॉ वेजिटेबल्स हैं डायरेक्ट खाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन साइंस, हमें कुछ भी अगर विटामिन्स खाने हैं उसके साथ एक मिनरल, कोई भी विटामिन खाना हो तो उसके साथ एक मिनरल ऐड होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कैरेट, कैरेट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए, यू नो, इट इज फैट सॉल्यूबल, राइट? अब कैरेट को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए फैट का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर कैरेट को, गाजर को अगर आप ऑयल में सौते करके खाते हो, उसका एब्जॉर्प्शन मच बेटर होता है, बिकॉज 3 विटामिन्स, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ए, ये जो है फैट सॉल्यूबल है। इनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपको तभी मिलेंगे जब आप फैट ले रहे हो, गुड फैट ले रहे हो। तो इफ यू आर पिकिंग द कैरेट, यू शुड पिक द गुड एसेंशियल ऑयल फॉर इट्स एब्सॉर्प्शन, राइट? इफ यू आर पिकिंग द एप्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल पिक कर रहे हो, राइट? और एप्पल क्या है? आयरन रिच है। अब आयरन के साथ वाइटामिन सी का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जिन दिनों आप एप्पल ले रहे हो तो कोशिश करो आप लेमन, सिट्रस फ्रूट, कुछ भी ऑप्शन करो, मे बी आंवला, मे बी इट वुड बी द स्वीट लाइम्स, ऑरेंजेस, कुछ भी आप पिक कर सकते हो। सो मेक सच हेल्दी ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड मेक श्योर यू आर एक्नोलेजिंग एंड नोटिंग डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। दिस वीडियो इज नॉट इज इंक्लूडेड एज अ डायटेटिक्स कोर्स, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लिनिकल न्यूट्रिशन कोर्स। सो ट्राई टू follow the regimes as I have told in through this video. Thank you for watching my video. If you find it is very, very useful to share with someone, please share this video.
थैंक यू, नमस्कारम।